Hello kids, how are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Very good. Kids, welcome back. Here, I am Jyotsna from the Wisdom School, Sirsa. Kids, now study time. अभी कौन सा टाइम है बेटा हमारा? स्टडी टाइम. और आज हम लोग स्टडी टाइम में क्या करेंगे बेटा? पिक्चर बुक में जो बेटा आपके टॉपिक सब बच गए थे ना, आज हम उनका रिवीजन करेंगे. ठीक है बेटा, मैंने आपको 3 times में करवाई है बुक कंप्लीट, तो हम 2 times इसको कर चुके हैं जितने भी हमारे टॉपिक्स थे. अब हम क्या करेंगे, जो हमारे लास्ट टॉपिक्स बच गए हैं ना बेटा, आज हम उनका रिवीजन करेंगे. ओके, लास्ट टाइम हमने फर्नीचर तक कर चुके थे हम, तो आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्टेशनरी, व्हीकल्स, फेस्टिवल्स एंड कलर्स, ये 4 topics है हमारे जो आज हम रिवाइज करेंगे. ओके बेटा, शैल वी स्टार्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट. तो किड्स, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, स्टेशनरी आइटम्स. ओके, ये स्टेशनरी आइटम्स हैं बेटा. स्टेशनरी आइटम्स क्या होती हैं बच्चे? जो हम अपने स्कूल में, अपने घर पर, जो स्टडी से रिलेटेड होती हैं, पढ़ाई से, जैसे कि पेंसिल है, इरेजर है, स्केल है, शार्पनर है, ये सब हम अपने, ये हमारी स्टडी से रिलेटेड होती है ना, तो इन आइटम्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी आइटम्स. जैसे नोटबुक है ना, ये सब क्या है हमारी स्टेशनरी आइटम्स. ओके बेटा, तो सबसे पहले हमारी क्या है स्टेशनरी आइटम में, देखो सबसे पहला क्या है हमारा, नोटबुक. क्या है बच्चे? नोटबुक. ये क्या है बेटा? नोटबुक, जिस पर आप वर्क करते हो. ठीक है, ये नोटबुक है. नेक्स्ट इज पेन. पेन है ना, आपकी मैम चेक करती है पेन से आपका वर्क, तो ये क्या है बेटा? पेन. नेक्स्ट इज स्केल. स्केल बेटा किस काम आता है? लाइन लगाने के काम आता है, स्ट्रेट लाइन या स्लैंटिंग लाइन या स्टैंडिंग लाइन. ओके, तो ये क्या है बेटा? स्केल. और नेक्स्ट क्या है बेटा? पेंसिल. आप लोग अपनी पेंसिल से वर्क करते हो ना अपनी नोटबुक पर, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? पेंसिल. नेक्स्ट इज टेप रोलर. टेप रोलर बेटा, ये जो जिसमें टेप होती है ना, सैलो टेप होती है जो, ये उसका रोल बना हुआ है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं टेप रोलर. ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा? शार्पनर. ये क्या है बेटा? शार्पनर, जो पेंसिल शार्प करने के काम आता है. नेक्स्ट इज इरेजर. इरेजर क्या है बेटा हमारा? अगर काम डर्टी हो जाता है तो हम उसको रब करते हैं ना अच्छे से, तो वो मिट जाता है, तो ये क्या है? इरेजर. और ये क्या है बेटा? क्लिप बोर्ड. क्लिप बोर्ड क्या होता है बेटा? जब हम एग्जाम देते हैं तो हमें शीट मिलती है, तो हम इस बोर्ड पे रख के काम करते हैं ना, इसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड. नेक्स्ट इज क्रेयॉन्स. क्रेयॉन्स क्या होते हैं बेटा? कलर्स, जो हम कलर्स करते हैं. ठीक है, क्रेयॉन्स. और इसके बाद क्या है बेटा? सीजर. सीजर से क्या हम क्या करते हैं? कट करते हैं ना सीजर से, है ना, हम लोग कटिंग करते हैं किसी चीज की, तो ये क्या है बेटा? सीजर्स. और ये क्या है बेटा? कैलकुलेटर. कैलकुलेटर, कैलकुलेटर बेटा कैलकुलेशन करने के काम आता है. ओके, ये अभी आपको पता नहीं है, जब आप बड़े हो जाओगे ना तब आपको पता चलेगा ये क्या है, कैलकुलेटर. नेक्स्ट इज स्कूल बैग. ये क्या है बेटा? स्कूल बैग. आप अपने स्कूल में बैग लेके आते हो ना, तो ये क्या है? स्कूल बैग. और ये है बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास. ये बच्चे आपको अभी नहीं पता चलेगा, जब आप बिग हो जाओगे तो आपको पता चलेगा, बट इसका नेम आपने याद रखना है, इसका नेम है मैग्नीफाइंग ग्लास. ओके, नेक्स्ट है बेटा स्टेपलर. स्टेपलर बेटा पेपर को पिन करने के काम आता है. क्या है बेटा ये? स्टेपलर. और ये है बेटा इंक पोर्ट. इंक पोर्ट में क्या होता है? इंक होती है और पेन में इंक भरी जाती है इंक पोर्ट से. ओके बेटा, तो हमने क्या क्या किया आज? नोटबुक, पेन, स्केल, पेंसिल, टेप रोलर, शार्पनर, इरेजर, क्लिप बोर्ड, क्रेयॉन्स, सीजर, कैलकुलेटर, इंक पोर्ट, स्टेपलर, मैग्नीफाइंग ग्लास, स्कूल बैग. ओके, अब मैं इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट करूंगी, आप मुझे रिप्लाई करना. विच आर्टिकल इज यूज टू राइट ऑन नोटबुक. कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो नोटबुक पे राइट करने के, लिखने के काम आता है? 2 चीजें है ना बेटा, पेन और पेंसिल. पेंसिल से भी राइट किया जा सकता है और पेन से भी. ओके बेटा, नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज द यूज ऑफ शार्पनर. शार्पनर किस काम आता है? आपकी पेंसिल को शार्प करने के. ओके, इसके बाद है बेटा विच आर्टिकल इज यूज टू स्टेपलिंग थिंग्स. चीजों को स्टेपलिंग करने के, स्टेपल करने के क्या काम आता है बेटा? स्टेपलर. ओके, स्टेपलर काम आता है ना, स्टेपलर आर्टिकल इज यूज टू स्टेपलिंग थिंग्स. ओके,
ओके बेटा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक बेटा व्हीकल्स का। व्हीकल्स क्या होती है बेटा? हम अपने घर से कहीं जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे हम बाईसाइकिल लें, साइकिल लें, कार पे जाएं, बस पे जाएं, ट्रेन पे जाएं, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं ना, तो जो जो ट्रांसपोर्ट होती है इनको बोलते हैं व्हीकल्स। ओके बेटा, तो अभी व्हीकल्स में क्या है जल्दी से बताओ। सबसे पहले है बेटा प्रैम, इसमें बच्चे को लेके जाया जाता है इधर से इधर, प्रैम। बाईसाइकिल, ये तो पता ही होगा सबको। स्कूटर, ये क्या है बेटा? स्कूटर, इसको बोलते हैं बेटा ऑटो रिक्शा। ये क्या है बेटा? ऑटो रिक्शा। जीप, मोटरसाइकिल और कैमल कार्ट, और भी व्हीकल्स हैं, हम करते हैं पहले फिर सारी एक बार और अच्छे से रिवाइज करेंगे। ये है बेटा बस, क्या है ये? बस। और ये क्या है? कार। और ये एरोप्लेन, वेरी गुड। और ये क्या है बेटा? ट्रक, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रक। और ये क्या है? हेलीकॉप्टर, क्या है ये? हेलीकॉप्टर। ट्रेन, ये क्या है बेटा? रेलगाड़ी, छुकछुक गाड़ी, ट्रेन। और ये क्या है बच्चे? शिप। शिप क्या? शिप किस में चलता है बेटा? वाटर में, पानी में चलता है शिप। ओके, और ये है बेटा मेट्रो ट्रेन, ये मेट्रो सिटीज में चलती है। क्या है ये? मेट्रो ट्रेन, जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, तो ये कहाँ चलती, ये है मेट्रो सिटीज में चलती है, इसको बोलते हैं मेट्रो ट्रेन। ओके बेटा, एक बार हम अच्छे से करते हैं रिवाइज दोबारा से दोनों पेजेस। सबसे पहला है प्रैम, बाईसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, जीप, मोटरसाइकिल, कैमल कार्ट, बस, कार, एरोप्लेन, ट्रक, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, शिप, मेट्रो ट्रेन। ओके बेटा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ आपसे, आप मुझे रिप्लाई करना। ओके, विच इज योर फेवरेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपका कौन सा फेवरेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो भी आपको अच्छा लगता हो बेटा, ठीक है? कार है, बाईसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, जो आपको अच्छा लगता हो। ओके, नेम एनी एनिमल ड्राइवन व्हीकल, ऐसा कोई एनिमल बताओ जो व्हीकल को ड्राइव करता है। मैंने इसमें दिखाया था ना बेटा कैमल कार, तो ये कैमल ड्राइव कर रहा है ना, ये कौन ड्राइव कर रहा है? कैमल, तो कैमल लिख दें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, जो हवा में ऊपर चलते हैं, कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं? एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर, है ना, एयर में चलते हैं ना वो, हवा में, है ना। और विच इज द फास्टेस्ट लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट कौन है बेटा? ट्रेन, ट्रेन इज द फास्टेस्ट लैंड ट्रांसपोर्ट, जमीन पे चलता है। ओके बेटा, क्लियर? तो ये थे हमारे व्हीकल्स। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स क्या होते हैं? त्योहार। अभी फेस्टिवल्स का मौसम, वो भी आने वाला है ना सीजन, है ना, तो अब जल्दी से बताओ ये कौन सा फेस्टिवल है। ये है बेटा ईद, इसमें ये लोग कौन मनाते हैं, ये मुस्लिम्स लोग मनाते हैं ईद, इसमें लोग एक दूसरे को हग करते हैं और क्या बोलते हैं? ईद मुबारक। ये है बेटा दिवाली, ये तो हम लोग हिंदू लोग मनाते हैं दिवाली, क्रैकर्स जलाते हैं ना इसमें, है ना। और ये क्या है बेटा? गुरुपूरब, ये सिख लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसको बोलते हैं गुरुपूरब। ये रक्षाबंधन, रक्षाबंधन है। और ये क्या है? क्रिसमस, ये क्रिश्चियंस लोग सेलिब्रेट करते हैं बेटा 25 दिसंबर को। ओके, इसको बोलते हैं क्रिसमस। और ये है बेटा होली, ठीक है, होली तो हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, सभी सेलिब्रेट करते हैं। तो कौन कौन से फेस्टिवल्स हमने किए? ईद, दिवाली, गुरपुरब, रक्षाबंधन, क्रिसमस और होली। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पुट करूंगी आपसे। ओके, विच इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो लाइट से होता है, कौन सा है बेटा? दिवाली, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ओके, नेम द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली, कलर्स का कौन सा फेस्टिवल है बेटा? होली, कलर्स का कौन सा फेस्टिवल है? होली। ओके, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट जो होता है, कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो जीसस क्रिस्ट के बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है बेटा? क्रिसमस, कौन सा ऐसा फेस्टिवल है? क्रिसमस। ओके, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? कलर्स, क्या करने वाले हैं? कलर्स, इसमें भी कलर्स है बट मैं आपको इसमें से कलर्स दिखाऊंगी जो मेरे पास है, आपके लिए इजी होगा। ओके, आप मुझे जल्दी से बताना, ठीक है बेटा, जल्दी से बताओ ये कौन सा कलर है,
ब्लैक, और ये कौन सा कलर है? ब्लू। और ये कौन सा कलर है बेटा? पिंक। और ये कौन सा कलर है? ब्राउन। और ये कौन सा कलर है बेटे? ऑरेंज कलर। एंड ये वाला कौन सा कलर है बेटा? रेड कलर। तो और भी हमारे पास कलर्स हैं, वो भी आप बताओगे। ये कौन सा कलर है बेटा? ग्रीन कलर। और ये वाला? येलो कलर। और ये वाला? व्हाइट कलर। एंड स्काई ब्लू। ओके, और ये वाला कौन सा कलर है बेटा? वॉयलेट। कौन सा कलर है ये? वॉयलेट। और ये कौन सा कलर है बच्चे? पर्पल। इसको बोलते हैं बेटा पर्पल। तो अभी हमने क्या किए, कलर्स के नेम रिवाइज किए ना। आज हमने जितना भी रिवाइज किया बेटा, आप अपने घर पर अच्छे से उसको रिवाइज करना। ओके बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।